देवास जिले के ग्राम भीम आमला में पति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। मृतक महिला के पुत्र करण 15 वर्ष ने कमलापुर चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई। करण ने बताया कि मेरे पिता ने मेरी मां अनिता बाई के साथ मारपीट कर मार कर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अनिता बाई 32 वर्ष का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। शव को देखने पर आंख के पास मुंह पर और सर पर कुछ चोटें नजर आ रही थी। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी किशन पिता प्रेमसिंह भील 35 वर्ष शराब पीने का आदि है और नशे में पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता रहता था। घटना वाले दिन भी आरोपी ने अपनी पत्नी से शादी समारोह में पैसे मांगे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ था और सभी लोग घर आ गए थे और पत्नी से मारपीट भी की थी। आरोपी के काका भूमसी और बच्चों ने मिलकर माता पिता का झगड़ा सुलझाया और सभी सो गए। जब सुबह बेटे करण ने अपनी माँ को देखा तो वह हिल नहीं रही थी। उसने माँ को उठाने की कोशिश की, जब नहीं उठी तो बाहर निकला तो दरवाज़ा बंद पाया गया। आसपास आवाज़ देकर दरवाज़ा खुलवाया, तब देखा कि माँ मृत पड़ी हुई थी। दो दिन तक पुलिस द्वारा जंगल में सर्चिंग कर आरोपी किशन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नशे में और पैसे के विवाद को लेकर पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया है। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। दिनांक 25 मई 2019 को चौकी कमलापुर में प्रार्थी करण पिता किशन उम्र 14 साल निवासी भीलामला ने रिपोर्ट आगे किया कि उनकी मां अनिता भाई को इनके पिता किशन ने लाद गोसाई मीट से मारपीट कर जो है तो हत्या कर दी है। इनकी रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी ने अपराध धारा 302 ताजी रात इनका जीरो पे कायम नहीं कर तत्काल जो है तो वरिष्ठकारियों को अवगत कराया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डीसी महोदय के निर्देशन में मौके पर रवाना हुई। मौके पर एसडीओ भी साहब भी पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास पूछताछ किया, शव की अहमियत रवाना किया। आरोपी किशन मालूम घटना का मालूम पड़ा कि पत्नी से पैसे मांगने पर से शराब पीने का आदि था और पत्नी से पैसे मांगने पर से विवाद हुआ, उस पर मारपीट की उसकी। और इसके पूर्व भी इन्होंने मालूम पड़ा कि 2-2.5 बीघा जमीन गांव के राजेश भील को बेच दी थी इन्होंने, जिसका पैसा किस्तों में देते थे और कुछ पैसा बाकी था। जो भी पैसा आता था ये दारू वारू चक्कर मुर्गा चक्कर में जो है तो खर्च कर देता था। इस बात पे हमेशा विवाद होता रहता था, यही कारण सामने आया मौत का, इसी बात पे उसने उसको हत्या कर दी।